नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी रिया चक्रवर्ती की। गिरफ्तार हो गई है एनसीबी ने, ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जब एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। मेडिकल टेस्ट उनका हो रहा है। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया की रिमांड नहीं मांगी जाएगी क्योंकि एनसीबी ने कहा है कि 3 दिन से जो हम लगातार पूछताछ कर रहे थे उस पूछताछ के जरिए ही पूरी जानकारी हमें मिल गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे ये पेशी होनी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स जुड़ रहा है जिसने इस पूरे मामले में नए सिरे से भूमिका अदा की थी, जब पटना में FIR दर्ज करने के बाद ये मामला नए तरीके से आगे बढ़ा था। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुप्तेश्वर पांडे जी, आज का दिन बड़ा है वो इसलिए क्योंकि एनसीबी ने तमाम अपने जांच को पुख्ता तरीके से आगे ले जाने के बाद आखिरकार आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे आप इस पर सर?